से दो रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट में 29 पॉजिटिव और दूसरी रिपोर्ट में 40 पॉजिटिव, कुल मिला के 69 पॉजिटिव। और कंप्लीट हमारे ज़िले के अंदर जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 201 का हो गया है। सुबह की जो तो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बाइफरकेशन इस हिसाब से है, पाली शहर के 8 हैं, सुमेरपुर के 3 हैं, पाली के 6 हैं, सूरत के 4 हैं, मारवाड़ जंक्शन के 3 हैं, रानी के 2 हैं, पाली ग्रामीण के 2 हैं और रोहट का 1 है। सेकेंड रिपोर्ट 40 का बाइफरकेशन इस हिसाब से रहेगा कि पाली शहर के हैं 24, पाली ग्रामीण का 1, सूरत के 15। इनमें जो हमारा पूर्ण रूप से एनालिसिस करने के बाद जो मिलता है, जंगीवाड़ा एक नए हॉटस्पॉट के तरीके से सामने आया है। सुबह की रिपोर्ट में 6 जंगीवाड़ा के हैं और जो सेकंड रिपोर्ट है उसके अंदर 23 जंगीवाड़ा के, तो ये अब हमारा बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। एक दो शहर में और लोकेशन आई हैं बट अब मूल तरीके से ये रहेगा कि जंगीवाड़ा को अब हमारे को फोकस करवा दें। अब उसके आसपास का कॉर्डनिंग ऑफ और स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहले ही वो हमारा कंटेनमेंट एरिया है। तो अच्छी चीज़ ये है, कंटेनमेंट होने के कारण बाहर संक्रमण फैलने की आशंका बहुत कम है, पर अब हमारे को और इंटेंसिव टेस्टिंग और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर और इंटेंसिवली हमारे को मॉनिटर करने की ज़्यादा आवश्यकता है। सर, नए कंटेनमेंट रिपोर्ट अभी तक जंगीवाड़ा ही है, इसके अंदर तो मूल है जंगीवाड़ा, तुम्हारों का बास को साथ ही है। एक दो और एरियाज बनेंगे वो